स्टार प्लस पे स्टार्ट हुआ, इसी साल आया नया शो कभी कभी इत्तेफाक से, जिसके सीजन 1 से आप तो ज़रूर वाकिफ होंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे आखिर ये शो क्यों डेंजर में आ चुका है और स्टार प्लस और चैनल बहुत ही जल्दी डिसीजन ले सकता है इस शो को ऑफ एयर करने का। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या वो वजह है जिसके चलते इस शो को ऑफ एयर किया जाएगा, और अगर ऑफ एयर किया जाएगा तो किस शो से रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरे एंड तक। बात करें अगर कभी कभी इत्तेफाक की, तो ये शो अर्ली टाइम स्लॉट पे लाया जाता है, शाम 7 बजे और सुबह 8:30 बजे आपको स्टार प्लस पे देखने को मिलता है। इस शो की बात करें तो रिधिमा और अभिनव की ये केमिस्ट्री कितनी रंग लाती है ये तो आपने अब तक के एपिसोड में जरूर देख लिया, लेकिन फाइनली स्टार प्लस की उम्मीद से ज्यादा ये शो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये शो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो एक मेन वजह है इस शो के ऑफर होने की। क्योंकि कभी भी कोई भी शो ऑफर करने का सबसे मेन रीजन होता है वो होता है टीआरपी, और स्टार प्लस के पास ढेरों नए शो हैं जो लेके आने को है स्टार प्लस। जैसा कि आपको पता होगा कई सारे शो की प्रोमो भी आउट हो चुके हैं, तो ऐसे में स्टार प्लस बहुत सारे अपने पुराने शो को ऑफर करेगा और नए नए शो को नए नए टाइम स्लॉट पे लाया जाएगा। तो इसमें आपका फेवरेट शो कभी कभी इत्तेफाक से भी आ चुका है इस डेंजर जोन में। अगर ये शो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी अगर ये शो ऑफर हो जाए तो। वेल, आपको क्या लगता है, क्या ये शो उन शो में से एक है जिसको अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, शो जरूर अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी टीआरपी लेके आएगा, या आपको लगता है कि नहीं इस शो में कोई दम नहीं है, शो की स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है, इस शो को ऑफर कर देना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और शो से जुड़ी हुई आगे की जो भी अपडेट होगी आपको मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।